नेस्ट दाल है, ये साइन करो, वो साइन कराओ, ये जाओ, ये आप पोस्ट ऑफिस। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह को बज रहे अभी 7 और हम लोग जा रहे हैं रांची। मुझे जाना है कुछ काम है, BIT मिश्रा मेरा दोस्त और मैं ऑटो में भी बैठ चुके हैं और स्टेशन पे निकल चुके हैं। ऑटो बैठ चुके, BIT मिश्रा की तरफ हम जा रहे हैं। ऑटो इस ऑफ के दर्द है, अभी टाइम यू कैन सी ये क्या है, करी करी अप्पा द्वार दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन रांची। क्या ये देयर इज अ टैंक, आर्मी टैंक, ये ओरिजिनल टैंक है, इस वजह से लगाया गया है, ये डमी नहीं है। अब गार्ड लेके खड़ा है, आना पड़ता है, दो टैंक है यहाँ पे। कॉन्टेक्ट हम लोग BIT मिश्रा पहुँच चुके हैं, गार्ड से गेट को क्रॉस करके हम लोग अंदर जाएंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का सीन क्या है। ये कॉलेज का एंट्री गेट था, तो हम लोग कॉलेज के एंट्री गेट से इंटर हो चुके हैं। ये रहा पीछे वाला गेट, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग इंटर हो चुके हैं। राइट नाउ हम लोग अंदर जा रहे हैं BIT मिश्रा के। ये एक सोसाइटी जैसा भी है यहाँ पे, जो यहाँ के स्टाफ्स है, मेम्बर्स है, यहाँ पर रहते हैं। एक हॉस्टल है यहाँ पे, ये नेचर के बीच में ये हॉस्टल है। टोटल 13 हॉस्टल है इसमें, 13 हॉस्टल है उसमें से ये एक है। 13 हॉस्टल्स है, 13 में बिल्डिंग्स है, उसी में 13 हॉस्टल्स बोला जाता है। ये भी यहाँ पे आई थिंक स्टेडियम है। और यहाँ पे एक भाई पढ़ते थे मेरे दोस्त, और ये है शुभम। शुभम यहाँ पढ़ा है, अपना ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया है, BIT मिश्रा से। राइट नाउ डॉक्यूमेंट लेने आया है, क्योंकि इसे कंपनी ज्वाइन करना है। तो कंपनी ज्वाइन करने के लिए इसे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, उस कंपनी को देगा और ज्वाइन कर लेगा। ये रोड मैप है, रोड मैप क्या ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूट बिल्डिंग आगे है, लेफ्ट साइड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, GP बिरला ऑडिटोरियम, और भी हॉस्टल्स है जो बताने के लिए कि आप इधर जाओ उधर जाओ, डायरेक्शंस के लिए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो काफी बड़ा है। स्पोर्ट्स राइट टाउन लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं। बहुत से ट्रॉफीज है जो BIT मिश्रा ने जीता था उसके बाद, एंड ये और ट्रॉफीज कुछ और जीती गई है, जो चैंपियनशिप जो भी होता है। शुभम, ये शुभम भी है यहाँ पे। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको दिखाता हूँ, देखो स्टेडियम वाइज कितना वेल मेंटेन है स्टेडियम, एज यू कैन सी। वहाँ पे पब्लिक बैटिंग थी ना, मैंने क्या बोलते इसको, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, जो बास्केटबॉल कोर्ट है उस साइड, क्रिकेट का भी है, फुटबॉल का भी है, बास्केटबॉल है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं ना, ऑडियंस स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे ही बैठते होंगे BIT मिश्रा के। एंड जिमनेजियम के लिए ये रूम है जिमनेजियम के स्पेशली। यहाँ पे अब क्या, तो बैडमिंटन, हाँ जिमनास्टिक्स जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओलंपिक में आपने बहुत सारा देखा होगा जिमनास्टिक करते हुए। और ये बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन वाला एरिया हो गया ना, भाई जिम कितनी सारी इक्विपमेंट है, पर मुझे पता नहीं कि किसका क्या यूज़ है उतना ज़्यादा, इसलिए तो पता है कि इसको मारता है। हाँ ये पुराना वर्जन है और नया वाला दूसरी जगह पे है। और मैं वहाँ क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेरे पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स होती थी। इसका बस स्टॉपिक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बस स्टॉप। भाई यहाँ पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। एट फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको BTEC करना है तो GE मेंस के थ्रू इस BIT मिश्रा में आपका एडमिशन होगा। अच्छा। ये BIT मिश्रा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पे कराई जाती है। एंड जोसा के थ्रू काउंसलिंग होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। एज यू कैन सी BIT मिश्रा का वो मेन बिल्डिंग है। सो उसमें कौन कौन सी क्लासेस चलती है? मेरा सारा क्लास वहीं चलता है BIT मेन बिल्डिंग में। मेन बिल्डिंग में ही सारे क्लासेस चलता है और यहाँ से स्टार्ट हो। ये क्या है, ये सारे हॉस्टल्स है, ये भी हॉस्टल्स है।
एंड वन मोर थिंग कि बीआईटी मिश्रा में जो भी लड़के पढ़ते थे यहाँ पे इन लोगों का एक पिया मिलन चौक था, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये देखिए इसी साइड है पिया मिलन चौक, इसका नाम है पिया मिलन चौक, यहाँ पे पीएमसी शॉर्ट हो गया पीएमसी, सही है। एंड दिस इज द डाइवर्जेंट है जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट बिल्डिंग और भी प्रो एनसीसी गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज द मेन बिल्डिंग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं। और बी आई टी मिश्रा में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर R&D बिल्डिंग में है, तो मैं आपको उस बिल्डिंग को दिखा, तो अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं कि आपको सुपर कंप्यूटर दिखा सके, पर मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ बिल्डिंग। ये R&D बिल्डिंग है और यहीं पे रखा गया है आपका सुपर कंप्यूटर, मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग के पास ही है आपका ये R&D बिल्डिंग। ये है कैंटीन वाला एरिया, दिस इज द कैंटीन एरिया, यहाँ पे कैंटीन रहती है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि शेडिंग किया हुआ है बारिश से बचने के लिए। ये कैंटीन एरिया है बीआईटी मिश्रा का, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, कॉफी है, स्नैक्स है, तो मैंने भी 5-star ले लिया, शुभम ने भी 5-star ले। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, ATMs भी है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये एरिया है, मिश्रा का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अभी तक का ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है एरिया वाइज। राइट नाउ शुभम अभी अपने टीचर से प्रोफेसर से बात कर रहा है, उसका सवाल जवाब हो रहे हैं, तो अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत सारी मशीनें हैं, तो वन मोर थिंग, यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं, पर मैं चोरी छुपे कर रहा हूँ, मशीन्स एवरीवेयर। यार अलाउड नहीं है, चोरी छुपे कर रहा है, पकड़ा गया तो गया। और इधर है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे सारी बसेस जितने भी व्हीकल्स हैं जो बीआईटी मिश्रा जो ऑन करता है यहाँ पर लगी रहती है। देखिए जितनी सारी गाड़ियाँ हैं ये सारे बीआईटी मिश्रा की है, और इतने सारे बसेस हैं जो स्टूडेंट्स को लाते ले आते हैं, टीचर्स को ये सर्विसेज देते हैं, बीआईटी मिश्रा में ये बसेस रन करते रहती डिपार्टमेंट के अंदर, ये बाहर भी जाती है, बाहर से पिक करके सबको कॉलेज तक सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे NCC होता है, NCC नेशनल कैडेट कॉर्पोरेट, या सैनिटाइजर, ऑटोमेटेड सैनिटाइजर जो डेवलप किया गया है DRDO, उसमें आपको दिखाता हूँ भाई। OP सैनिटाइजर निकल गया है भाई, हम लोग ऊँचे जगह को पार कर रहे हैं, चलो पूरा कॉलेज बंद है इसीलिए खाने का उधर भी चेक कर रहे हैं। राइट नाउ हम लोग अभी एलुमिनी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के डिपार्टमेंट में हैं, वेट कर रहे हैं बीआईटी मिश्रा जो अचीव किया है इतने सारे अवार्ड्स, एंड देयर इज आल्सो ये फ्रंट गेट है बीआईटी मिश्रा का, और यहाँ पे BM बिरला साहब दिखेंगे, पहले स्टेचू उनका दिखेगा अंदर आते ही। लॉन है, अपर लॉन से आप देख सकते हो यार, ये लोअर लॉन है गार्डन, अब बीच में ये सर्कल में, हाँ फाई का, ओ मैथ्स में फाई का जो सिंबल होता है यही है, ये फाई बनाया। आई थिंक ब्लॉग को यहीं तक एंड रखते हैं, और आपको मैं बस घर जाने वाला हूँ यार, शाम हो गई यहीं पे, बहुत देर लग गया यहीं पे रहके। ये आ चुके हैं नीतीश भैया के भैया है, नीलेश भैया अभी मास्क लगा के रखे हैं, तो आई डोंट नो आप नहीं पहचान सकोगे। अब तो शुभम इज हियर आल्सो हियर, एंड नीतीश भैया को मैं जल्दी आपको मिला दूंगा। ये BIT का गेट से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हो गया वीडियो कैंड यही रखते हैं, और हम लोग अब घर जा रहे हैं। आए थे चाय के लिए, राइट नाउ हम लोग बैठे हुए रोड पे, और काफी अच्छा मौसम है।